आपका स्वागत है इस वीडियो रिकॉर्डिंग में। देखिए, इस वीडियो रिकॉर्डिंग में मैं आपको यह बताऊंगा बफेलो को कैसे हीट मिला है। बफेलो हमारा एक प्रमुख पशु जो कि दूध उत्पादन में जिसका 50% दूध जो है बफेलो से ही आता है। तो देखिए, बफेलो जो है वो जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर तक ब्रीड करती है। उसके बाद बहुत सी बफेलो होली के आसपास भी ब्रीड करती है, पर वो एनिस्टस में चली जाती है। और एनिस्टस में जो है उसमें प्रिग्मा वगैरह कोई काम नहीं करेगा। प्रिग्मा इंस्ट्रूमेंट कोई भी अल्फा PG2 है वो नहीं काम करेगा। आप उसमें जो ये हाइड्रोक्सी प्रोजेस्टेरोन है वो लगा सकते हैं 500 mg अगर हीफर है तो, और उसके बाद वो हो सकता है वो हीट में आ जाए। परंतु जब तक उसमें कार्पस ल्यूटियम प्रेजेंट नहीं है तब तक उसमें जो है अल्फा PG2 जो है वो कोई भी काम नहीं करेगी। हालांकि आप ऐसा कर सकते हैं कि 5 ml उसको गाइनरेचर रिसेप्टर लगा दे तो वो साइकिल में चलने लगेगी। तो यही मैं बफेलो के बारे में बता रहा था। बहुत से लोग बड़े परेशान रहते हैं कि साहब मेरी भैंस जो है वो हीट में नहीं आ रही। भैंस का हीट में आने का सीजन जो होता है वो दिवाली से लेके होली तक होता है। उसके बाद अगर आपको उसको हीट में लाना है तो उसे उसमें ये आप मत लगाइए प्रग्मा या इंस्ट्रूमेंट या जो भी है प्रोस्टाग्लैंडिन है वेटमेट है बहुत सारे आते हैं बाजार में क्लोप्रोक्सीडॉल है उसका लगाने का कोई लाभ नहीं होता। अच्छा, फिर बात यह भी है कि वो जो है जब आप लगाएंगे तो जिस तरह कार्पस ल्यूटियम होता है जो रिएक्टिव होती है उसी तरफ लगाना पड़ता है, अन्यथा आपके पैसे बेकार जाएंगे। तो या तो आप डॉक्टर से या कंपाउंडर से दिखवा लीजिए किस तरह उसमें कार्पस ल्यूटियम है, अगर वो देख सकते हैं वो तो दम रहेगा। या फिर आप ऐसा करिए कि उसके दोनों पुट्ठों पर 2-2 ml लगा दें। ये अक्सर लोग आप पूछते हैं कि साहब भैंस में मैंने वो लगा दिया। अब भैंस में एक बात और भी है, भैंस ग्रेजिंग में जाती है नेचुरल उसमें जाती है तो वो प्रेग्नेंट भी हो सकती है। तो ये प्रोस्टाग्लैंडिन लगाने से पहले देख लीजिए आपकी बफेलो प्रेग्नेंट तो नहीं है, नहीं तो अबॉर्शन कर देगी। तो मैंने उसमें आपको यही बताया जब तक कार्पस ल्यूटियम नहीं है उसको आप जो है गाइनरिश लगाइए 5 ml, हो सकता है वो हीट में आना शुरू कर दे, पर वो ब्रीडिंग सीजन में ज्यादा काम करेगी। जो देसी काव है उसमें ब्रीडिंग सीजन होता है, जैसे देसी काव जो है शिवरात्रि के बाद मतलब होली के बाद जो है वो एक्टिव होती है उनकी ओवरी। जो विलायती गाय है वो हमेशा मतलब हीट में आती रहती है, पर कोई जरूरी नहीं है कि वो प्रेग्नेंट ही हो जाए, पर वो हीट में हमेशा आती है। उसमें आप इधर कार्पस ल्यूटियम है उधर लगा के आप लाभ अर्जित कर सकते हैं। परंतु मैंने देखा है बहुत से कृषक हैं और कंपाउंडर्स हैं वो आत्मल के रह जाते हैं क्योंकि वो प्रेग्नेंट एनिमल में प्रोस्टाग्लैंडिन डाल देते हैं, उससे अवर्शन हो जाता है और उससे बहुत नुकसान हो जाता है। तो आप किसी ऐसे दक्ष वेटनरी कंपाउंडर या डॉक्टर को पकड़िए जो आपको बता दे कॉर्पस ल्यूटियम कहाँ है। अगर आप नहीं जानते हैं और ब्रीडिंग सीजन है तो आप दोनों पुट्ठों पर लगा दीजिए उसके, हालांकि आपको कॉस्ट दुगनी लग जाएगी। एक पे लगा कर देखिए, अगर हीट के साइड नहीं आ रहा है दूसरे पुट्ठे पे लगा दिए। ठीक है, इसी के साथ मैं वार्ता अपनी समाप्त करता हूँ। मैं प्रोफेसर थैया हूँ और मेरी एम्ब्रो ट्रांसफर लैब है भास्कर शर्मा जी के साथ रुद्रपुर में। यहाँ पे उनका टेलीफोन नंबर 8279835572 है और मेरा टेलीफोन नंबर 8979748686 है। आप मुझे कभी भी संपर्क करें। धन्यवाद।